क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे ऑफलाइन एग्जाम्स चल रहे थे। हाँ, मैं भी उनमें से ही हूँ जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में कुछ नहीं पढ़ा और एग्जाम्स में सिलेबस भी पता नहीं क्या है। कहाँ से पढ़ते जब ऑनलाइन क्लासेस में ये होता था। आवाज आ रही है जी सर? आ रही है? आप सही आ कह रही रहे है। हैं। हाँ, बहुत सही। बहुत ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की हरकतें देखकर टीचरों की ये हालत होती थी। और बच्चों की ऑफलाइन एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर देखकर ये हालत होती है। टीचर्स भी ना पूरी कसर निकाल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर इतना दूर बैठा के रखा है कि बगल वाले के आंसर्स तो दिखते नहीं है, और मास्क में से बोलने पर इतने धीरे आवाज निकलती है कि उस तक पहुंचती ही नहीं है। एक तो ये अलग ही स्कैम चल रहा था कि स्कूल खुलने पर मास्क में से बोलने पर टीचर को पता ही नहीं चलेगा कौन बोल रहा है। घंटा सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जितना दूर बैठा के रखा है ना, थोड़ी सी भी अगर तेज आवाज में बोल दो तो सब पता चल जाता है किसने किस डायरेक्शन से और क्या बोला है। और अगर कभी कोई टीचर पता नहीं भी कर पाए ना, तो जिस डायरेक्शन से आवाज आई है उस पूरे एरिया के बच्चों को एग्जाम पर ऐसे घूरेगा जैसे हमने तो उससे किडनी ही मांग ली हो। फिर भी हम लोग जुगाड़ू इंसान है, कैसे भी करके जुगाड़ से एग्जाम्स निकाल ही लिए, और सिलेबस वो आज भी पता नहीं क्या है। तुम लोग अपने एग्जाम्स के एक्सपीरियंस के बारे में नीचे कमेंट्स में बताओ। अब मुझे भी जाना होगा, क्योंकि मुझे सोचना है कि रिजल्ट्स वाले दिन पापा से क्या बहाना बनाना है, क्योंकि उन्हें अभी भी यही लगता है कि मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं और असलियत सिर्फ मुझे पता है। फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखना अपना।